बात बच्चों, आज हम पर्यावरण में बाढ़ दो पृथ्वी पर रहने वाले मेरे साथी पढ़ने जा रही हैं। पिछले कालांश में हमने घोड़ा और ऊंट के बारे पढ़ा और उसका हमारा टेस्ट हुआ। आज हम बिल्ली, गाय और बकरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, जिस प्रकार देखो ये पुस्तक में आपको बिल्ली दिखाई दे रही है ना, ये बिल्ली है जो एक बहुत ही छोटा सा जानवर है, आपको दिखाई दे रहा है। ये बिल्ली है ना, वो कई रंगों की होती है। इसकी जो आंखें आपको दिखाई दे रही है, ये इसकी आंखें बहुत ही चमकीली होती है। ये जब रात होती है ना, उस तब अंधेरा होता है, ये बहुत तब भी देख सकती है। ठीक है, और इसकी जो चमड़ी होती है बिल्ली की, वो क्या होती है, रोएदार होती है, वो मुलायम होती है। ठीक है, और ये बिल्ली एक चौपाया जानवर, यानी कि इसके चार पैर होते हैं, दो कान होते हैं। ठीक है, और इसके जो नाखून होते हैं ना, बिल्ली के नाखून, वो बहुत ही तेज़ होते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार ये बिल्ली है ना, एक छोटा सा जानवर है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे गायें। ये देखो आपको गायें दिखाई दे रही है ना, ये गाय है जो एक पालतू जानवर है। ठीक है, इसको हम घरों में पालते हैं ना, और इसके देखो गाय के आपको दिखाई दे रहे चार पैर होते हैं, दो सींग होते हैं, एक इसका मुंह होता है, ठीक है, कान होते हैं, एक लंबी पूंछ होती है, दिखाई दे रही है आपको, लंबी पूंछ दिखाई दे रही है। और गाय के दूध भी हमारे पीने के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, हम पीते हैं गाय का दूध। इस प्रकार गाय का जो गोबर होता है, वो भी उस गोबर से क्या बनती है, खाद बनती है। ठीक है, और जो गाय होती है ना, वो कई रंगों की होती है। ठीक है, और इसको हम गौ माता भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। जैसे दिखाई दे रहे ना, ये चित्र में गाय हो, देवी देवताएं के चित्र बने हुए ना। ठीक है, इस प्रकार गाय हमारे लिए बहुत ही उपयोगी जानवर होता है। फिर आगे देखेंगे, देखो ये किसका चित्र, देखो बकरी का, किसका है, बकरी का। बकरी भी देखो एक छोटा सा जानवर है। ठीक है, यह भी पालतू पशु है, इसको भी हम घरों में पालते हैं। ये भूरी, काली, सफ़ेद, कई रंगों की होती है। देखो इसकी आंखें हैं ना, वो आंखें दिखाई दे रही है, ये छोटी होती हैं, और इसके सींग है, ये भी छोटे होते हैं, और इसका मुंह है, नाक, ये भी छोटा सा होता है। ठीक है, और जो बकरी है ना, वो क्या खाती है पता है आपको, घास और पत्तियाँ खाती है। जैसे गायें घास खाती है, ये घास और पत्तियाँ भी खाती है। ठीक है, तो इसका जो गाय बकरी का दूध होता है ना, वो भी स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है, बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, इस प्रकार हमने आज बिल्ली, गायें, बकरी के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम इसके कुछ जो प्रश्न उत्तर और एक किसान बनते हैं, वो भी हम करेंगे। ठीक है बच्चों, ये देखो इस प्रकार मैंने कॉपी पे लिखे हैं, बीच बीच में से प्रश्न उत्तर और एक किसान बनाए हैं, आपको भी अपनी कॉपी पे इसी प्रकार से लिखने हैं। दिनांक, पाठ का नाम, ठीक है, जैसे बिल्ली, गाय, बकरी, दिन के बारे आज हमने पढ़ा, उसी के प्रश्न बनाए हमने। जैसे बिल्ली की आंखें कैसी होती है, चमकीली, बताया आपको। गाय को हम क्या कहते हैं, जैसे गौ माता कहते हैं। गाय के गोबर से क्या बनता है, खाद बनती है। बकरी क्या खाती है, घास व पत्तियाँ खाती है। ऐसे रिक्किसान भी बनते हैं, जैसे बिल्ली के तेज होते हैं, क्या होते हैं, तेज नाखून। ऐसे गाय की एक लंबी क्या होती है, पूंछ, बताया ना अभी चित्र में दिखाया मैंने। फिर बकरी एक पालतू जानवर है, कैसा जानवर है बकरी, एक छोटा और पालतू जानवर, ये इसके आंसर है। ठीक है, इस प्रकार हमारे को बिल्ली, गायें और बकरी के ये जो प्रश्न उत्तर है, ये पढ़ने हैं और अपनी कॉपी पे लिखने हैं और याद करना है। अगला जो कलांश होगा, उसमें आपका होम टेस्ट होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।